अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीज़न 15 रॉयल पास के अंदर आने वाले तमाम के तमाम आउटफिट्स, गन की स्किन्स, जो कुछ भी है सब के सब की। इससे पहले भी मैं तुम लोगों को दिखा चुका था पिक्चर्स, ये वो, मतलब कुछ के नाम दिखाए थे, सारी चीज़ें दिखाई थी, लेकिन आज उनकी सारी की सारी चीज़ों की वीडियोज़ और सारी की सारी स्किन्स, जो जो गाड़ियों की हैं, जो जो आउटफिट्स हैं और कौन कौन से लेवल पर आ रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग इसका ट्रेलर देख लो, उसके बाद करते हैं आगे की बात। तो ये था ट्रेलर और तुम लोगों को दोनों के दोनों सूट्स नज़र आ गए। ब्लैक वाला जो सूट है वो आपको 4800 आरपी के पॉइंट्स से मिलेगा और दूसरा 100 आरपी वाला। तो यहाँ पर हम लोग अपने रिवॉर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 1 आरपी के ऊपर थॉमसन की मिलने वाली है स्किन, और ये थॉमसन की स्किन बहुत ही कमाल की है। और इसके ऊपर मज़े की बात, इस बार रेड डॉट और होलोग्राफिक आप लोग लगा सकते हो, साइड स्कोप भी लगा सकते हो, ये अपडेट के अंदर आ चुका है। AKM की स्किन जो कि हमें 80 आरपी के ऊपर देखने को मिलेगी, जैसे कि M4 की स्किन मिली थी उसी तरह 80 आरपी के ऊपर आप लोगों को ये स्किन देखने को मिलेगी। मतलब इसका फ्रंट और मतलब नीचे से इतने मज़े की नहीं है, लेकिन इसका बैक मतलब बहुत मज़े का है, जैसे कि कुछ वॉरियर टाइप का पहले आया था उस तरह का बना हुआ था। पैन बहुत फजूल की चीज़ बनाई है भाई, समुराई ओप्स पैन वही अपना उस टाइप का। और ये हेलमेट आ रहा है अपना समुराई ओप्स के नाम से हेलमेट है इसका, लेवल 1 कुछ इस तरह का है। लेवल 2 आप लोगों को वही बकवास तरीन कुछ इस तरह का दिखने वाला है, और लेकिन लेवल 3 पे ये बहुत ही प्यारा हो जाता है। मतलब लेवल 3 अगर डायरेक्ट मिले तो फिर मज़े की बात है, लेकिन लेवल 1, 2, 3, 4 अच्छा। इसमें बैग बहुत ही प्यारा है, गोल्डन नाइट्स बैग पैक है। लेवल 1, 2 आप लोग देख लो, 3 में तो बहुत ही OP हो जाता है। ये देखना ज़रा, ये चेक करो भाई, मतलब यार बहुत ही कमाल का बैकपैक है। पीछे बैक साइड पे मतलब कुछ टाइगर वाइगर कुछ ऐसा बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेवल 3 पे तो दोनों चीज़ें कमाल की हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को सेट बता दूँ, जो 3 लेवल पे जाने वाला है वो वाइट स्टार पे एक सेट आ रहा है, फिर इसका हेड गेयर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इसका सूट होने वाला है। ये इस बार लेडीज़ करेक्टर के ऊपर तीनों सूट आने वाले हैं। तो सेकंड जो इसका लेवल 2 होगा वो होगा सिल्वर स्टार आउटफिट, और सिल्वर स्टार का इसका हेड गेयर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह का हेड गेयर होने वाला है। तो इसी सूट के वही 3 लेवल जो 4800 पॉइंट के ऊपर मिलेगा और 1800 पे उसका हेड गेयर मिलेगा जो मिथिक होने वाला है, तो वो तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ, वो कुछ ऐसा होने वाला है ये वाला। तो ये मिथिक होने वाला है, 4800 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों को ये रिडीम करना पड़ेगा। तो रिडीम वाले भाई आ जाओ, पैसे वाले लोग सामने आ जाओ, तो भाई ये हमसे दूर रहने वाले हैं, तो हम लोग सिर्फ 100 आरपी वाले से गुजारा करेंगे। इस बार भी 100 आरपी वाला कुछ इतना मज़े का तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो उसके अलावा हम लोगों को जो के मिलने वाला है रॉयल पास के अंदर ही एक सूट, वो तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जो रॉयल पास के अंदर हम लोगों को सूट मिलने वाला है, होने वाला तो ये मिथिक नहीं है, लेकिन ये लेजेंडरी होने वाला है, लेकिन ये मुझे ये इस मिथिक से ज़्यादा प्यारा और 100 आरपी वाले से भी ज़्यादा प्यारा ये वाला लग रहा है। शेडो एसेसन आउटफिट इसका नाम है। इसके साथ में आप लोगों को हेड गेयर भी मिलने वाला है। यार ये बहुत ही कमाल का, मुझे तो 100 आरपी वाले सूट से ज़्यादा ये वाला अच्छा लग रहा है। इसको 100 आरपी पर डाल देते तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे ख्याल से। तो 100 आरपी पे जो अच्छा, इस बार आप लोगों को जो समुराई ओप्स के नाम से ग्रेनेड की स्किन है वो भी मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ये सामने। और उसके अलावा ये हमारा 100 आरपी वाला आउटफिट, दो चीज़ें होंगी, मतलब इसका फेस मास्क और हेड गेयर एक ही है, और इसका इमोट आप लोग देख लो, ये तीनों चीज़ें मिथिक होने वाली हैं। तो मतलब ठीक ठाक ही है, इतना अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत कमाल का नहीं कह सकते। इसके अलावा जो जो चीज़ें क्रेट्स के अंदर आने वाली हैं, मतलब एक रिडीम क्रेट होता है जिसके अंदर रिडीम में डाल देते हैं चीज़ें, इस बार भी किसी गाड़ी की स्किन कोई चीज़ इस तरह बाहर नहीं मिल रही आप लोगों को। तो ये 3 सूट्स है जो कि आपको रिडीम बॉक्स के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो ये आप लोगों को पॉइंट्स से रिडीम करने पड़ेंगे। ये तीनों आउटफिट बहुत ही कमाल के हैं,
जो कि इन्होंने इसमें डाल दी है। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाती है यहाँ पे एक US की स्किन जो कि हमारी कभी भी नहीं निकलेगी। तो ये US की स्किन जिसकी ऊपर छत नहीं है, मतलब ऐसे ना उस टाइप की है, तो ये उसकी स्किन आई है। तो लेकिन ये भी आपको रिडीम से ही निकालनी पड़ेगी भैया, खर्चे खर्चे खर्चे। तो इसके अलावा बाकी वही घोड़े वाला मुंह फजूल की चीज़ें निकलेंगी आप लोगों की, तो निकलने वाला तो कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल एंजॉय करो। और इसके अलावा जो क्रेट्स आने वाले हैं, और क्रेट्स वो आएंगे सीज़न 8 के, अगर जिस जिसको सीज़न 8 वाले क्रेट्स और सीज़न 8 वाली चीज़ें निकालनी हुई वो निकाल सकता है। बाकी हम लोग उसी को ट्राई करेंगे, जो चीज़ें हर बार निकलती तो है, वैसे हमारे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इस बार के परचेज़ बोनस के अंदर आप लोगों को ये आउटफिट्स और ये वाली गन की स्किन आप लोगों को नज़र आ रही है कि मिनी 14 की स्किन, लेकिन ये मिनी 14 की नहीं होगी, किसी और की होगी स्किन। तो चलो यार वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करता हूँ सबको ये लीक्स पसंद आए होंगे, और अगर जिस इसको लीक्स अच्छे लगे, जो कुछ भी जो जो चीज़ें अच्छी लगी वो तुम लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। और इंशाल्लाह हम लोग एक नई वीडियो के अंदर आएंगे, एक नई वीडियो के अंदर, आई मीन अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बाय।